हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे दोस्तों कि सैलरी एरियर बिल कैसे बनाएं, इसके बारे में पूरा सीखने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एरियर बिल के बारे में मैंने आपको सेवन पे एरियर फिक्सेशन संबंधी वीडियो पहले डाल चुका हूँ। अब मैं उन एरियर के बारे में बात करूँ जो अदर सैलरी एरियर हो या फिर एसी पे एरियर हो। आज मैं विशेषकर एसी पे एरियर के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक एम्प्लॉय का मुझे बनाना है। दोस्तों, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है सैलरी एरियर बिल कैसे बनाएं इसके बारे में पूरा, और एसी पे एरियर बिल ये पूरा समझेंगे अपन और इस वीडियो के अंदर पूरा जानने वाले हैं दोस्तों जी। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा स्टडी विद आरएसएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और कुछ दोस्तों की काफ़ी कमेंट आए, उनका प्यार उनका स्नेह हमें जो हमारे से लगातार जुड़े हैं उनसे काफ़ी लग रहा है कि दोस्तों का प्यार स्नेह हमारे से काफ़ी जुड़ा हुआ है। आप प्यार और स्नेह की वजह से आपका जो चैनल है आगे ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। इसमें से कुछ दोस्त हैं, जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर काफ़ी लोगों ने इस कॉमेंट बॉक्स में शिकायतें हैं उनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इन्होंने डाला है, ये जो सर हैं के आर सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये डाला है कि ये जो सर वीडियो है मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और मैं इनके लिए काफ़ी जो है बिल बनाने संबंधी से सीखूँ। तो ये इन्होंने स्पेशली यहाँ डाल रखा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मोहनलाल जी सर हैं, विनोद जी जाटव हैं और ताराचंद जी पूनिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है इन सर का, इन्होंने जो लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट में जब चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने यही कहा था बहुत ग्रोथ करेगा आपका चैनल और ये अपना आपकी दुआ से ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। और बाबूलाल जी देवासी हैं, काफ़ी दोस्त हैं, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, इन्होंने काफ़ी कॉमेंट किए हैं और काफ़ी। तो दोस्तों, मैं आज से एक शुरुआत कर रहा हूँ कि आप कॉमेंट बॉक्स के साथ अपने जो है कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिए ताकि मैं आपसे कभी भी कॉल कर सकता हूँ। जो अच्छे दोस्त हैं उनके लिए मैं कॉल करूँ और आपको मैं खुद कॉल करके समाधान जानूँ समस्या का, कि समस्या जानूँ कि आपका कैसे समाधान हो सकता है उस समस्या का और चैनल संबंधी भी ग्रोथ कैसे हो सकता है उससे संबंधित भी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों से। तो आप अपने कॉमेंट के साथ में अपना नाम और दोस्तों मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन जो एरियर बिल बना रहे हैं, आपको पता है सबसे पहले बिल एलोकेशन सबको करना होता है, आपको पता ही है। तो बिल एलोकेशन कीजिए दोस्तों, फटाफट बिल एलोकेशन अपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल एलोकेशन करेंगे, बिल एलोकेशन के अंदर सबसे बिल टाइप के अंदर आपको सैलरी एरियर सेलेक्ट करना है, फिर इसके अंदर सब टाइप के अंदर सैलरी एरियर, और इसमें तीन एरियर दिखाई देंगे आपको सेवन पे का उसे, और बजट ऐड के अंदर आपको जीरो पॉइंट डालना है दोस्तों, जो आपके सामने डाल रखा है, महीना जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो, और आपको यहाँ पर आपका रूटीन में जो बिल नंबर है वो डाल देने दोस्तों, पर यहाँ पर आपको ग्रुप ऐड जिसे ऐड क्या बनाना चाहते हो और इसको करना है आपको सबमिट। तो आगे सबमिट कर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ से आपको ये जो बिल प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको आना है। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद में आप यहाँ आएंगे बिल एलोकेशन पे, तो बिल प्रोसेसिंग के बाद में आपको आएंगे सैलरी बिल में, सैलरी प्रिपरेशन के बाद दोस्तों आपको आना है सैलरी एरियर में, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है इसमें आपको आना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको आने के बाद में यहाँ पर आगे प्रोसेस करूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप ये जो है महीना अक्टूबर जिस महीने में आपने ये एरियर बनाना चाह रहे हैं और पे ईयर्स, और यहाँ पर आपको बिल एलोकेशन जो नेम है वो डालना है, और यहाँ पर बिल नंबर, और यहाँ पर आपको जिससे संबंधित आप रीजन देना है कि किससे संबंधित आप किससे रिलेटेड आप एरियर बना रहे हैं, और यहाँ पर नेम पर सर्च करके उस एम्प्लॉय का नेम सर्च कर लें। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि जैसे ही आप नेम सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि उसी बिल को सेलेक्ट करना है यहाँ जिस बिल का आपको एरियर बनाना है। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको इस नेम पर यहाँ पर साइड में जो विंडो आई इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आने के जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको देखो यहाँ पर अलाउंस ऐड करना है। अलाउंस के अंदर कौन कौन से अलाउंस ऐड होंगे, यहाँ अलाउंस के अंदर बेसिक, डीए और एचआरए ऐड होता नहीं आपको पता ही है, और अदर अलाउंस के अंदर आप क्या डाल सकते हो इसमें, और दूसरे अलाउंस नहीं होते। तो इसमें दो चीज़ होती है, और अगर दूसरे हो तो इसमें दो चीज़ अपने को करनी है ध्यान रखना, और फिट करना है डिडक्शन ऐड। डिडक्शन के अंदर आप लोगों को ये ऐड करना है, इसके अंदर आपको एक नंबर, एक तो डिडक्शन के अंदर अगर एनपीएस कटौती हो रही है तो वो करनी है, तो इसको एनपीएस कटौती करनी है इसको, और दूसरी कटौती इसमें इनकम टैक्स करनी, दो कटौती इसमें करनी है, फिर आपका ये एरियर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अपने इस पे अलाउंस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप अलाउंस पे क्लिक करोगे यहाँ पर इस प्रकार डेट कहाँ से लेके फ्रॉम डेट टू डेट कहाँ तक बनाना चाह रहे हो या है। तो आपको फ्रॉम डेट टू डेट ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड होना चाहिए ये आपको एक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, दूसरे फाइनेंशियल ईयर कर लोगे तो ये डाटा पूरा इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ फ्रेंड्स, मेरे को ये उठाना है डाटा, तो यहाँ पर मैं जैसे 23 जनवरी से उठा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ 23 जनवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक का फाइनेंशियल ईयर मानता है, तो इसको मैं यहाँ तक का डाटा ऐड कर देता हूँ, उससे आगे का फिर दोबारा मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, फिर आप बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जो भी विंडो ओपन होगी इसमें बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको जैसे ही 2 महीने आपने सेलेक्ट किए तो इसका आपको सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ फटाफट आपको ये डालना है जो पहले आपने उठा चुके हैं वो अमाउंट, और यहाँ पर डिफरेंस कितना रहा है उस अमाउंट का, और आज मतलब एरियर जो बन रहा है उसका,
जैसे मान लीजिए आप 38,000, मैं इस जो एम्प्लॉई इनको उठा रहा हूँ तो 38,000 रुपये इन्होंने ऑलरेडी उठा लिया, 39,000 है, 40,100 रुपये मिल रहा है, तो इसका वो डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको वहाँ से ऐड कर देंगे, आप इस प्रकार से ओके सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ से ओके कर देना आपको। अब जैसे आप ओके कर देंगे, आपके बिंगो में इस पर जनवरी और फरवरी 2 महीने का आपका बेसिक यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों, जो आपको श्योर है। ठीक है, तो जनवरी का जो शो हो रहा है ये, और फरवरी का शो ये हो रहा है, ये आपको शो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो अपन उठा रहे हैं तो उसकी डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे अपन ने फरवरी तक की सिलेक्ट कर ली थी, अब आप मार्च से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ मार्च डाल देंगे 1 मार्च से, और कहाँ तक की सिलेक्ट करनी है आपको वो डाल देना है। तो जैसे मेरे को जुलाई तक का बनाना है, तो जुलाई कितने जुलाई तक का, 31 जुलाई तक का, जो लास्ट एंडिंग 31 जुलाई, और यहाँ पर फिर बेसिक सिलेक्ट करेंगे। और जैसे आप बेसिक सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी, और ये प्रोसेसिंग हो रहा है आपके सामने, तो ये जो विंडो ओपन हो रही है दोस्तों ये होगी इस प्रकार से। तो इसमें देखो मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने की होगी। अब यहाँ पर आपको अलग अलग जो है वो वेतन डाल देना है कि यहाँ पर पहले ड्रोन पेमेंट कितना था और डिफरेंस कितना रहा है, वो दोनों आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही दोस्तों हमने सबमिट किया था, इस प्रकार से जनवरी से लेके और आपको जुलाई तक का दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग डिफरेंस पेमेंट जो है, जो डिफरेंस पेमेंट है वो आपका एरियर का वो आ गया बेसिक का। अब आपको अलाउंस में फिर जाना है दोस्तों, और अलाउंस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, आपके पास जो विंडो खुलेगी उसमें दूसरा करना है आपको डीए, क्योंकि दूसरा डीए होता है। तो डीए का पेमेंट आपको 2 जगह इसी प्रकार करना होगा जैसे मैंने अभी किया, उसी प्रकार 2 पीरियड के अंदर अलग अलग आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका देखो जनवरी का डीए और फरवरी का डीए, 2 महीने का डीए आ गया। बाकी का डीए अपन, क्योंकि मार्च जो है, मार्च अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर चला गया, तो मार्च का जो वो है अगले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो इसी प्रकार अपन ऐड अलाउंस में जाएंगे और टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका देखो मार्च से लेके जुलाई तक का ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो आपने जो ड्रोन कर लिया वो पेमेंट आपको यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर आपको डालना होगा डिफरेंस। तो फटाफट अपन डिफरेंस डाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये आ गया डिफरेंस, और ये डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है इसमें जो जुलाई के अंदर, क्योंकि आपको पता है डीए बढ़ जाता है, तो इसका फिर यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका डीए सब महीने का ऐड हो चुका है। अब आप आगे जैसे नेक्स्ट महीने जून तक आपको दिखाई दे रहा है, जुलाई का नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करके देखेंगे दोस्तों, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और आपको ये दिखाई देने लग जाएगा बेसिक और डीए जो कि आप ऐड कर चुके हो। तो इस प्रकार से बेसिक और डीए आपने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, जुलाई और अगस्त का ये आपके सामने आ गया, और टोटल जो अमाउंट बन चुका है ये पेएबल अमाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, टोटल अलाउंस इस प्रकार से। अब आपको करना है इस प्रकार से आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट करना है ऐड न्यू डिडक्शन, ऐड डिडक्शन के ऑप्शन के जरिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप क्लिक करके इसी प्रकार से पीरियड जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से कर लेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि एनपीएस काट रहे हो आप, तो आपको बताया कि इसमें जो एनपीएस है वो ऊपर ये दिखाई दे रहा है, 261 कोड है इसका, इसके अकॉर्डिंग आपको काटना है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको 10% जो भी एरियर बन रहा है उसका आपको काटना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जैसे आपने बेसिक और डीए अलग 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 फाइनेंशियल कर अलग ऐड किया, इसी प्रकार से मैंने ईसी पेंशन जो फंड बोलते हैं इसको, एनपीएस बोलते हैं उसको, भी अलग अलग मैंने 10% के हिसाब से ऐड कर दिया, और आपके सामने इस प्रकार से शो हो गए। तो इसी प्रकार से अब आप दोस्तों नेक्स्ट करेंगे ऐड डिडक्शन के अंदर जाएंगे। कोई भी याद रखें, कोई भी अगर एरियर बनाते हो तो आपको 10% इनकम टैक्स काटना कंपल्सरी है। ये ट्रेजरी का रूल है कि 10% आप काट के कम जो इनकम टैक्स है उसके बाद में एरियर उठवाएं किसी का भी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस एम्प्लॉय का जो एरियर है दोस्तों वो नेट आपका जो टोटल वो है 14,286 रुपये, और 2,860 रुपये इसको डिडक्शन करना है, करवाना है। और ये आपका डिडक्शन में ये होगा नेट पेबल। तो डिडक्शन में क्या है, पेंशन फंड और ITR। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट आपको ऊपर चलना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ दोस्तों आपको इसको प्रोसेस कर देना है सैलरी को। तो ये सैलरी आपकी प्रोसेस हो गई। तो फ्रेंड अपन इसको यहाँ से फिर सैलरी को फॉरवर्ड कर देते हैं DDO। यहाँ से वीडियो को जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, और ये आपका आ गया। अब आप यहाँ से सैलरी आपको क्या कर रहे हो, सैलरी एरियर, तो सैलरी एरियर एरा इसको आप सिलेक्ट कर ले, और फिर आप यहाँ पर जो पीओ का बिल था वो, और जैसे ही दोस्तों पीओ का बिल आपके पास आ जाएगा आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और आपको यहाँ से करना है फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड करने के बाद आप इसे फॉरवर्ड करने से पहले भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो, बाद में फिर आपको आना होगा दोस्तों रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर आने के बाद सैलरी रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट पे आने के बाद में आपको सैलरी एरिया रिपोर्ट इस पर आना होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स अपन आ गए, यहाँ आने के बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, अपन ने अक्टूबर महीने के अंदर अभी बनाई है सैलरी, तो इसको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट कर लेंगे ये जिसका आपको जो रिपोर्ट देख रहे हो, जिस ग्रुप की
किस जिस ग्रुप हेड की उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको बिल नंबर, तो बिल नंबर 8P7, और फिर आप यहाँ पर इनर रिपोर्ट चेक कर रहे हो तो इनर रिपोर्ट आउटर जो भी है चेक करना आपको कर सकते हो यहाँ से जनरेट कर दो। जैसे आप जनरेट कर देते हो इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ आपको सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद में आपको ये यहाँ पर जो डाउनलोड हो रही है रिपोर्ट, इसको अपन ओपन कर लेते हैं। और जैसे इसको ओपन करेंगे दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। और तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपकी इनर आउटर और शेड्यूल यहाँ से निकाल सकते हो। और फिर आप आश्वस्त हो जाएँ कि आपका ये बिल सही तरह से बन चुका है और आपका जो एरियर सीट से मिलान उसका है कम्प्लीटली। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे, बिल फॉरवर्ड कर देंगे। बिल फॉरवर्ड करने का आपको तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग बिल फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करने के बाद फाइनल रिपोर्ट आपको रिपोर्ट पे जाके और सैलरी रिपोर्ट में जाके आपको इस पर जाके निकाल लेनी है। तो इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा, इससे निकाल लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सीखा कि सैलरी एरियर कैसे बनाया जाता है और ACP रिपोर्ट एरियर या अदर किसी प्रकार की सैलरी रिपोर्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि इसमें ऐड करना होता है और दूसरी ये ध्यान देना होता है कि फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड टाइम होता है वो फाइनेंशियल ईयर के टाइम के अंदर ही ये पिकअप करेगा, ये विशेष ध्यान रखना। और आगे हम इसी प्रकार से और अन्य जो वीडियो में सीखते रहेंगे एरियर के अलावा, दूसरे जैसे अभी FVC बिल है या मेडिकल बिल है आदि बिल के बारे में अगले वीडियो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और मैं आज आपको बता चुका हूँ कि आप जब भी कमेंट करो तो कमेंट के साथ में दोस्तों आपके कमेंट मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं आपको कुछ चला के कॉल करूँगा, जिसमें आप नंबर अपने डिस्प्ले कीजिए। तो आप अपने नंबर डिस्प्ले कीजिए या फिर आप मेरे जो बता दूँ आपको कि ईमेल एड्रेस पर भी डाल सकते हो, जो ईमेल एड्रेस आपको बताए surag@gmail.com इस पर भी डाल सकते हो आप, या फिर आप कमेंट बॉक्स में चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।